गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अवर मैथ सेशन. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज 4.2 विच इज ऑन पेज नंबर 61. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. इंसर्ट द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू. ओके, इन द बॉक्सेस. तो हमें ये प्रॉपर साइन फिलअप करना है फ्रैक्शंस का टाइप पहचान के. सो व्हाट इज मीन बाय लाइक फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमीटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. तो पहले हम सेम डिनोमीटर्स वाले फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे. तो कंपैरिजन पहले हम देखते हैं कि ये लाइक ये 20 है, 10 है, मतलब सेम डिनोमीटर नहीं है. तो यहाँ पे सेम डिनोमीटर्स है, 7, 7. तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन. तो इनका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शंस का? दे हैव द सेम डिनोमीटर. ओके, बट सो वी कैन कंपेयर देम बाय कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स. लेकिन जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम न्यूमरेटर के हेल्प से कंपेयर करते हैं. मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो क्या होता है? बड़ा. सो 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7. ये भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमीटर सेम है. तो कंपेयर हम न्यूमरेटर से करेंगे. न्यूमरेटर बड़ा तो वो फ्रैक्शन बड़ा. अब देखो और कहीं पे दिख रहे हैं क्या लाइक फ्रैक्शन? यस, दिस इज लाइक फ्रैक्शन. डिनोमीटर सेम है. तो 3/13 इज ग्रेटर देन 1/13 बिकॉज 3 इज द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर. ओके, अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, 13, 13. तो ये बिगर आएगा क्योंकि 9 एज अ न्यूमरेटर है, 9 5 से बड़ा है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बड़ा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 7/ नहीं, यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है. डिनोमिनेटर सेम दिखने हैं. और कोई लाइक फ्रैक्शन है क्या यहाँ पे? नहीं है. अगर आपको दिखता है तो आप कर दो. ठीक है, अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे हम. पहले न्यूमरेटर सेम वाले देखते हैं, मतलब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो न्यूमरेटर सेम देखो, न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है 7, 7. लेकिन डिनोमीटर क्या है? चेंज है. तो अनलाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमीटर डिफरेंस हो तो कौन सा फैक्टर बड़ा और कौन सा छोटा होता है? यस, वेरी गुड. जिसका डिनोमीटर बड़ा वो छोटा होता है. मतलब 7/20 इज लेस देन 7/10. देन और कोई है क्या जिसके न्यूमरेटर सेम है? यस, 6, 6. तो डिनोमीटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा. मीन 6/11 इज लेस देन 6/13. सॉरी, जिसका डिनोमीटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है? छोटा होता है ना? कहाँ पे? अनलाइक, ये अनलाइक फ्रैक्शन से. तो 6/11 इज ग्रेटर देन 6/13. ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर सेम वाले और कौन से हैं? ये है 7, 7. यहाँ पे 11 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है. मीन्स ये फ्रैक्शन क्या आया? बड़ा. क्यों? क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है. मीन्स ये क्या है? छोटा वाला फ्रैक्शन आया. तो 7/11 इज ग्रेटर देन 7/15. आपको साइन एकदम प्रॉपरली देने हैं स्टूडेंट. ठीक है, अब देखो बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनका कैसा करना है. उनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है. तो हम क्या करते हैं? उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो ये जो फ्रैक्शन है 3/8, 21/56, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 56 ही आएगा क्योंकि 8 के टेबल में 56 आता है ना. 8/7 = 56. तो हम क्या करेंगे? पहले इनका कन्वर्जन करेंगे. 8 × 7 = 3 × 7 = 21 और 8/7 = 56. तो देखो इसका भी क्या आ रहा है? 21/56 से आ रहा है. मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा. ठीक है, देन अनदर देखो कोई भी एक 2/5, 3/8. इनके डिनोमीटर हम सेम कर लेंगे. ओके, 8/5 = 40. तो ऐसा हमें 2/5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जब डिनोमीटर 40 हो जाए. सो 5 से हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि डिनोमीटर 40 हो जाए? 8 से. तो 2 को भी 8 से करेंगे. 2/8 = 16. तो ये फर्स्ट वाला हो गया 16/40. देन सेकेंड वाला भी 8 को हमें 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 40 हो जाएगा. तो सेकेंड क्या आएगा? 40. और ये ऊपर वाला क्या है? 3. 3 को भी हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3/5 = 15. तो 16/40 and 15/40 इनका वैल्यू आता है मल्टीप्लीकेशन के बाद. सो 16/40 इज बिगर देन 50/40. ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल्स है ये आप नोटबुक में सॉल्व करो, मतलब आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, है ना. सपोज Uh,
अब इतने तो हमने दे दिए, ई वाला देखो 5/9 एंड 10/18, पहले नोटबुक में सॉल्व करो, बाद में यहाँ पे आपको साइन दे देना है। तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। अब हम 5/9 को कोई भी एक नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी एक मीन्स क्या, उसका एलसीएम हमें फाइंड आउट कर लेना है दोनों नंबर्स का, 10/18 को भी। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो 9 × 2 = 18 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 9 × 2 = 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 × 2 = 10, और इसको भी यहाँ पे 18 इसका डिनोमिनेटर आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 1 = 18, 10 × 1 = 10। तो फ्रैक्शंस मिल गए हमें 10/18, 10/18, दोनों फ्रैक्शन सेम मिल गए, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, है ना। अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने। अब डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं मीन्स क्या करना है, ये दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसका डिनोमिनेटर सेम आए, ठीक है। दोनों नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है 9/13, 10/11, 9/13, 10/11। सो 9/13 एंड 10/11, तो हमें यहाँ पे देखना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करना है, ना दोनों नंबर्स का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया 13 × 11, मतलब नीचे के डिनोमिनेटर्स का 11 × 3 = 33, 3 × 11 = 11 और 3 = 143 आता है। मतलब आपको ये जो दोनों नंबर्स है, दोनों नंबर्स का छोड़ दो, लेकिन डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद 143 आंसर आना चाहिए। जो नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको क्या करना है, न्यूमिरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। सो 13 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आ जाता है, तो 9 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 9 = 99, और 11 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते तो 143 आ जाता है, तो 10 को भी हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्टर्स हमें मिल गए 99/143 एंड 130/143, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन ग्रेटर, मतलब 130 ग्रेटर है, 9/13 इज लेस देन 10/11, यहाँ पे ये साइन आएगा। तो ऐसे आपको ये जो आई जे के और ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल बचा है वो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। सब एग्जाम्पल्स आपको, ये जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, इनके सब एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं, और ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तब, ठीक है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा प्रोडक्ट होता है डिनोमिनेटर में, और दोनों नंबर से अगर हम इधर उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो डिनोमिनेटर मिल जाता है, ये भी आपके ध्यान में आएगा। लेकिन कब आएगा, आपको ऑब्जर्वेशन भी चाहिए और आपका प्रॉपरली आपका प्रैक्टिस भी चाहिए, तब आपको करना ही है, ठीक है। अब देखो, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ये फ्रैक्शंस हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगा सकते हैं। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है लाइक फ्रैक्शंस का, ये आप सिंपली लगा सकते हो, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज आपके लिए ये बहुत हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन ही प्रॉपरली सॉल्व करना है आपके नोटबुक में, कौन से फ्रैक्शंस का, अनलाइक वाला प्रॉपर सेम डिनोमिनेटर करके, और बाद में यहाँ पे साइंस देने, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितना कर रहे हो उतना प्रॉपर करो, ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस भी करो और प्रॉपर भी करो, ओके। और इसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, ओके, बाय।